चौथा रोज भी गुजर गया। नवाज शरीफ गिरती हुई सेहत के बावजूद मुल्क से बाहर ना जा सके। वजारत दाखिला ने नैब पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। नैब ने मामला वापस भिजवा दिया। कहा नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने पर वजारत दाखिला फैसला खुद करे, केस में नैब को शामिल करने की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत किसी भी शख्स का नाम ECL से निकालने की मजाज है। कई रोज से नवाज शरीफ की सेहत के साथ खेलते खेलते अब मामला काबीना पर आ गया। कल के इजलास में जेरे बहस आने का कभी इम्कान। ताहम वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का केस काबीना के एजेंडे पर नहीं। वजीरों की अक्सरियत उन्हें बैरून मुल्क भिजवाने की मुखालिफ है। अब क्या होता है, सबको कल का इंतजार। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने तीसरी बार लीक कर दिया। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई खराब होती जा रही है, उन्हें फौरी तौर पर बैरून मुल्क भेजना चाहिए, डॉक्टर्स की राय। वजीर सेहत पंजाब के तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के सवाल समझ से बालातर हैं। हालांकि वो गुज़श्ता के मेडिकल बोर्ड इजलास में खुद शरीक थी। ज़राए का दावा। नवाज शरीफ साहब ने अभी तक खुद अपने हाथ से कोई एप्लीकेशन लिखकर क्यों नहीं दिए और किसी कागज पर उनके अपने दस्तखत क्यों नहीं है, तो शायद वो दस्तखत भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन मजमू तौर पे अगर आप देखें, अगर आप कंपैरिजन करें कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने परवेज मुशरफ के बारे में जो मौकफ अख्तियार किया था और उसका अगर आप कंपेरिजन करें इस वक्त जो नवाज शरीफ के मामले में PTI की हुकूमत का मौकफ है, तो मेरा ये ख्याल है कि PTI की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर ज्यादा जो है वो रहम दिली और हमदर्दी और इंसानियत नवाजी का मुजाहरा किया है। मुस्लिम लीग नून ने मुशरफ के बारे में वो मौकफ अख्तियार नहीं किया था जो आज जो है ये PTI वालों ने नवाज शरीफ के बारे में किया। हाई प्रोफाइल मरीज की सेहत के साथ बड़ी लापरवाही। नाम ECL से निकालने में रुकावट पर सवाल उठने लगे। मुमताज सहाफी हामिद मीर कहते हैं परवेज मुशरफ को बगैर किसी से पूछे इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया गया था। मियां नवाज शरीफ से हुकूमत दस्तखत लेना चाहती है और वो दस्तखत कर नहीं रहे। नवाज शरीफ की सेहत आज कैसी रही, बैरून मुल्क डॉक्टर्स ने क्या कह दिया, साबिक वजीर आजम के सर पर कौन कौन से खतरात मंडलाने लगे, ताजा तरीन अपडेट्स बताएंगे इसी बुलेटिन में। नवाज शरीफ की 12 नवंबर को बैरून मुल्क मुमकिन रवानगी की भी बुकिंग करा ली गई। दूसरी जानिब एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम, एयर एम्बुलेंस बुथ को पहुँचेगी। मरियम औरंगजेब कहती है नवाज शरीफ की जान को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कायरा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत सियासतदारों की सेहत से खेल रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए, मौलाना के मुतालबात में उनके साथ हैं। नवाज शरीफ को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्ला कहते हैं नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कैसे कम हुए ये मुस्तकबिल में पता लगेगा। अगर आपके पास एम्पायर की उंगली है तो हमारे पास मौलाना फजलुर रहमान का अंगूठा है, मुशाहिदुल्ला खान के बयान पर ऐवान में कह कहे। मुशाहिदुल्ला ने वजीर आजम पर तनकीद शुरू की तो PTV ने नशियात मुनकता कर दी। अहम सड़कों का लॉकडाउन किया जाएगा। इजलास में मुल्क की अहम तिजारती शाहराहों की निशानदेही कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत भी संभल ना सकी। पिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड का साबिक सदर का तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर शुगर लेवल में बदस्तूर उतार चढ़ाव, गर्दन और कमर में शदीद तकलीफ की भी शिकायत। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर जारी निजी मेडिकल बोर्ड के कयाम का फैसला ताहाल ना हो सका। फिरदौस आशिक अबान के साथ गुलाम सरवर खान को भी तौहीन अदालत का नोटिस, 14 नवंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत,
क्या हुकूमत ने अदालत में गलत मेडिकल रिपोर्ट पेश की? हुकूमत इदारों पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गुलाम सरवर का बयान जाती राय हो सकती है, फिरदौस आशिक अवान का जवाब। आर्मी चीफ से चीनी फौज के डेप्यूटी कमांडर युहिताओ की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी टू आर्मी स्टाफ मुजाकरात पर भी बातचीत। आर्मी चीफ से तबलीगी इज्तिमा के अमायदीन भी मिले। सानिहा तेजगांव में जहां भक्त अफराद के लिए फातिहा। अरकान पार्लियामेंट के अलावा कोई शहरी अपनी बीवी बच्चों के असासे जाहिर करने का पाबंद नहीं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाप्त पर वकील सफाई बाबर सत्तार के दलाइल। हकाई के दुरुस्त जायजे से जज का बुनियादी हक खत्म नहीं हो सकता, अदालत के रिमार्क। टिड्डियां कराची पर टूट पड़ी, आसमान टिड्डी दल से भर गया। मलीर की फसलें तबाह करने के बाद शहर में दाखिल। बहादुराबाद और बलोच कॉलोनी में हर तरफ टिड्डियां, शहरी परेशान। नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। महकमे प्लांट प्रोटेक्शन का इजलास, स्प्रे कराने का फैसला। बन सकती है, इसकी बड़ी बड़ी डिलीशियस डिशें बनती हैं और आमन तौर पर जो डेजर्ट आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में ये खाई जाती है। शहरी परेशानी बिल्कुल ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरों को खाना चाहिए। टिड्डियां पकड़ें, कढ़ाई बिरयानी बनाएं और मजे उड़ाएं। टिड्डी दल से परेशान कराची वालों को वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का मशवरा। बोले कराची में टिड्डी दल चल कर आई है तो इसे खाना चाहिए। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बड़ा दावा कर डाला। कहते हैं कराची की सब्जी मंडी में टमाटर 17 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। लोग कीमतों के बारे में झूठ बोलते हैं। अपनी माशी कारकर्दगी की भी खूब तारीफें की। सब्जी की कीमतों ने अवाम की तौबा तौबा करा दी। इस्लामाबाद में अदरक की 4 सेंचुरियां, लहसुन ट्रिपल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। लाहौर में टमाटर की 250 रुपए फी किलो में फरोख्त, प्याज की सेंचुरी मुकम्मल। कराची में भिंडी और तोरी की डबल सेंचुरियां। गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के लिए इस्तकबालिया। मलकू की परफॉर्मेंस पर सिख यात्रियों के भंगड़े, हाजरीन भी झूम उठे। शमसी का सियारा अतारत जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अतारत का सफर शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में नजारा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने अपनी जीत कश्मीरी भाइयों के नाम कर दी। जो गाया अमर हो गया। लेजेंड गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े, 3 बरस बीत गए। टिड्डी दल से परेशान कराची वालों को वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का मशवरा। बोले कराची में टिड्डी दल चल कर आई है तो इसे खाना चाहिए। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बड़ा दावा कर डाला। कहते हैं कराची की सब्जी मंडी में टमाटर 17 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। लोग कीमतों के बारे में झूठ बोलते हैं। अपनी माशी कारकर्दगी की भी खूब तारीफें की। सब्जी की कीमतों ने अवाम की तौबा तौबा करा दी। इस्लामाबाद में अदरक की 4 सेंचुरियां, लहसुन ट्रिपल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। लाहौर में टमाटर की 250 रुपए फी किलो में फरोख्त, प्याज की सेंचुरी मुकम्मल। कराची में भिंडी और तोरी की डबल सेंचुरियां। गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के लिए इस्तकबालिया। मलकू की परफॉर्मेंस पर सिख यात्रियों के भंगड़े, हाजरीन भी झूम उठे। निजामे शमसी का सियारा अतारत जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अतारत का सफर
शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नजारा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी, कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने अपनी जीत कश्मीरी भाइयों के नाम कर दी। जो गाया अमर हो गया, लेजेंड गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े, 3 बरस बीत गए। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ताजा तरीन अपडेट आ गई। 4 रोज तक इंतजार के बाद लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक ने अपॉइंटमेंट मंसूख कर दी। प्लेटलेट्स की कमी से नवाज शरीफ के जिस्म पर सुर्ख धब्बे बन गए। स्टीरॉइड्स देने के बावजूद प्लेटलेट्स बेहतर नहीं हो रहे। कुव्वत मुदाफत कम होने से इन्फेक्शन का शदीद खतरा। खानदान के अफराद भी हिफाजती मास्क बगैर नहीं मिल सकते।